कि मैं महाकाल के मंदिर जाता था, वो पीछे से आती थी। मैं महाकाल के मंदिर जाता था, वो पीछे से आती थी, लेकर पंडित जी से चंदन, वो मेरे तिलक लगाती थी। मैं था उसका सहजादा और वो मेरी सहजादी थी। होठों से कभी कुछ कहा नहीं, आंखों से सब कुछ कह जाती थी। अपने मन की हर एक बात किसी और से ज़्यादा वो मुझे बताती थी। मैं था उसका सहजादा और वो मेरी सहजादी थी। आया एक दिन ऐसा, मैं उससे दूर हो गया, मेरा ये प्यारा दिल उसके बिन मजबूर हो गया। अरे बड़े दिनों के बाद मैंने उस मंदिर की हर एक सीढ़ी फूलों से सजाई थी। 2 साल बाद मेरी सहजादी लौट कर आई थी। मैंने उससे पूछा, मैंने उसका हाल पूछा, तो सुनकर जवाब मैं खड़ा रहा चुपचाप। वो मेरे से कहती है, जी कौन हो आप? उसने मुझे ऐसी बात बताई थी, उसने मुझे ऐसी बात बताई थी, वो यहाँ पर शादी, अपनी शादी का कार्ड देने आई थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसी महाकाल की मूर्ति के सामने ले गया और कहा, हे महाकाल, मुझे बताओ ये कैसी बर्बादी है, क्यों इसे याद नहीं मैं इसका सहजादा और ये मेरी सहजादी। उसने कहा, तुम इश्क करो मुझसे, इतनी तुम्हारी औकात नहीं, चले जाओ मेरी नज़रों के सामने से, तुम्हारा ये चेहरा मुझे याद नहीं। फिर एक दिन अचानक उसने कॉफ़ी पे बुलाया, कॉफ़ी पिलाई, कहने लगी, मैंने तुझसे नहीं तेरी दौलत से प्यार किया है, उसे पाने के लिए तुझे कॉफ़ी में जहर दिया है। उसने कहा, तू रोड साइड भिखारी है, तेरी औकात नहीं है अब प्यार करने की। अब जहर तो दे ही दिया था और हम तो महाकाल के वक्त हैं, हम पे क्या होगा जहर का असर, तो हमने भी कह दिया कि तूने छोड़ दिया मुझे जहर देकर, सोचा रोड साइड भिखारी हूँ, तूने छोड़ दिया मुझे जहर देकर, सोचा रोड साइड भिखारी हूँ, पर तू भूल गई रे छोरी, जिसने जहर पी लिया गले में, उस महाकाल का पुजारी हूँ। जय महाकाल और धन्यवाद।